नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भीम स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र, दिल्ली में करारी हार पर जनता के फैसले का किया स्वागत। सांस्कृतिक सदन में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का नौवां राज्य सम्मेलन हुआ शुरू। राजकीय महाविद्यालय में मनाया गया स्वच्छता अभियान। जनिस क्लब के द्वारा पुलवामा में हुए शहीद जवानों को किया गया याद। सीवरेज के पानी की निकासी न होने से हालू बाजार नंदराम कटला के दुकानदारों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। धूमधाम से मनाया गया चतुर्थ शनि महाराज स्थापना दिवस। अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर ढाणा रोड की महिलाओं ने लगाया जाम। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, नियम 134A के तहत नहीं किए जाएंगे इस पर दाखिले। एसडीएम महेश कुमार टीम के साथ पहुंचे चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, जर्जर हुए नर्सिंग छात्रावास का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंचे ओलंपिक विजेता बॉक्सर एवं कांग्रेस नेता विजेंद्र ने दिल्ली चुनावों में अपनी पार्टी की हार पर बयान देते हुए कहा कि वो परेशान नहीं बल्कि निश्चिंत व खुश हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था इस दौड़ में नहीं है। बॉक्सर विजेंद्र भीम स्टेडियम में चल रहे खेल प्रतियोगिताओं में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि शनिवार को भीम स्टेडियम में वेस्ट कॉलेज की तरफ से खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की दौड़, भाला फेंकना, गोला फेंकना जैसे अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओलंपिक बॉक्सर एवं कांग्रेस नेता विजेंद्र बेनीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। विजेंद्र को अपने बीच पाकर युवाओं के साथ कॉलेज स्टाफ में सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बॉक्सर विजेंद्र ने दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर कहा कि हम खुश हैं क्योंकि हमें पहले दिन से पता था कि हम दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सिर माथे हैं और हम आगे चलकर ज़्यादा मेहनत करेंगे। वहीं उन्होंने खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की बुराई से बचते हुए कहा कि मैं सरकार की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन प्रदेश में खेलों को लेकर हालात बहुत खराब हैं। विजेंद्र ने कहा कि आज के युवा गोल्ड मेडल की जल्दबाजी में गलती से ड्रग ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि युवा इंटरनेट का सही प्रयोग करते हुए दवाओं की सही जानकारी हासिल करें और फिर उनका सेवन करें। तो कहते हैं भिवानी में, कहते हैं हमारे को वेस्ट कॉलेज के स्टाफ ने बुलाया था और वेस्ट कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। मैंने तकरीबन 3 साल यहाँ पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो बहुत एहसान है कहते वेस्ट कॉलेज के मेरे ऊपर, तो वो धीरे धीरे उतार रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे बुलाया था। और एथलेटिक्स की मीट हुई यहाँ, 100 मीटर्स का इवेंट है, अभी और भी इवेंट है लेकिन अभी जाना पड़ेगा मेरे को। तो लेकिन सबसे मुलाकात हुई कहते भिवानी से, जहाँ से मैंने 0 से शुरुआत की थी, वहाँ आके सब लोगों का प्यार लेके, सम्मान लेके बड़ा अच्छा लगा। देखिए मैं अभी सरकार के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आज वेस्ट कॉलेज के बारे में बात करूँगा और यहाँ का स्टाफ मेरा अपना घर का स्टाफ है, मेरे लोग हैं, तो मैं उन सब के बीच आके कोई किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनों के बीच आके कहता अपनों वाला महसूस, एक एहसास होता, वो अच्छा लगा। ये आजकल माहौल जो मेरे को बताया गया है बहुत ख़राब है, लेकिन मैं चाहूँगा सब युवाओं से कि भैया जो एक इंटरनेट है उसका दुरुपयोग ना करें, उसका अच्छा उपयोग करें, उससे पता करें कि आप कौन सी मेडिसिन आपके लिए ठीक है, कौन सी नहीं है। बिकॉज जो आजकल एक ड्रग अब्यूज नाम की जो चीज चली है, लोग हर एक कोई बहुत जल्दी फेमस होना चाहता, हर एक कोई बड़ा जल्दी कहते गोल्ड मेडल लेना चाहता, लेकिन उस जल्दबाजी में वो कहते स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक इंटरनेट का प्रयोग करें, उसे देखें कि आपके लिए सही है गलत है, तो आई थिंक बहुत बेनिफिट होगा आपके कैरियर के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी, हमारी और आपकी परिवार के लिए। स्थानीय महम रोड स्थित सांस्कृतिक सदन में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा शनिवार को
नौवां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व महासचिव डॉक्टर डी रघुनंदन ने किया। इस अवसर पर पूरे राज्य से करीबन 400 डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता एवं अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के पूर्व महासचिव डॉक्टर डी रघुनंदन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता को मिलकर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से टक्कर लेकर आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज देश में आज़ादी के बाद उपजे जनपक्षीय मूल्यों और संविधान में दर्ज नागरिक मूल्यों को भयंकर खतरा पैदा कर दिया गया है। एक समय था जब देश के बड़े धनाढ्य लोगों के पास एक बड़ा होटल बनाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज देश के सभी राष्ट्रीय संपत्तियों को कोड़ियों के भाव इन्हीं बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेच देना चाहिए, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए शोध आदि पर सरकार को ज़्यादा निवेश करना चाहिए। उन्होंने रूढ़िवादी अंधविश्वास जैसी प्रथाओं और विचारों के खात्मे के लिए व्यापक विचार विमर्श करते हुए वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने तथा एक बेहतर नागरिक समाज बनाने के लिए ठोस पहलकदमी करने की आह्वान किया। खुले सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए परचम टीम दिल्ली की ओर से आए प्रतिष्ठित गायक व संगीतकार काजल घोष व साथियों की टीम ने जनगीतों पर तथा जतन नाट्य केंद्र ने नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का नौवां राज्य सम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ इस आयोजन का पहला उद्घाटन सत्र चल रहा है। इस उद्घाटन सत्र में हम नाटक, गीत और अपने भाषण करना चाहते हैं। यह है कि आज जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान और विज्ञान और ख़ास करके तकनीक, इन सारे क्षेत्रों में हमारा मानना यह है कि हमारा देश पिछड़ता जा रहा है और इस कारण से गरीबी बढ़ती जा रही है, किसान भूख में है और नौजवान को रोज़गार नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर आज जो है वो उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। इन सब कारणों को लेकर हम अपने प्रांत के अलग अलग ज़िलों से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आने वाले 3 साल की हम अपनी योजना बनाएंगे, अपना कार्यक्रम बनाएंगे और एक नई रणनीति के साथ हम काम करना चाहते हैं, ताकि समाज के अंदर ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य को हर आदमी को उपलब्ध होना चाहिए। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का नौवां प्रांतीय सम्मेलन है जो जिला भिवानी में आयोजित है, हमने इसको आयोजित किया है। क्या मुख्य मोटिवेशन रहेगा इस? हम चाहते हैं कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार घर घर है। विज्ञान जब आगे बढ़ेगा तो अंधविश्वास और आडंबर खत्म होंगे। सच्चा ज्ञान मिलेगा तो आदमी की तर्क शक्ति बढ़ेगी, जिससे वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सकता है। आज युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये वजह ये है कि उनमें सही तरह का ज्ञान नहीं है। जब उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक हो जाएगा, वैज्ञानिक मानसिकता हो जाएगी, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपनी रोजगार की भी प्राप्त कर सकेंगे। हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर पालिका चेयरमैन रण सिंह यादव और इसी महाविद्यालय का छात्र होने पर उन्होंने खुशी जताई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा ने भी इस विषय पर बच्चों को संबोधित किया और उन्हें संकल्प भी दिलवाया। महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में 15 से 21 फरवरी तक मनाए जाने वाले स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका के चेयरमैन रण सिंह यादव पहुंचे। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता ही जीवन है, यह हमारे नैतिक व सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने आसपास का परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्य अतिथि रण सिंह यादव जी ने स्टाफ व छात्राओं को स्वच्छता अभियान की शपथ भी दिलाई और इस बात पर उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि वो इसी महाविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया और कहा कि हम खुद समझें और औरों को भी समझाएं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है। उन्होंने अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया और सभी को स्वच्छता अभियान रूप यज्ञ में आहुति डालने का आह्वान किया। ना मैं गंदगी करने दूंगी, सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे महाविद्यालय से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चों से प्रार्थना रहेगी
आप लोगों को सफाई करने की जरूरत नहीं, मात्रा में कि आप लोगों को सफाई करनी है, सिर्फ आपको अवेयरनेस पैदा करनी है। सफाई कर्मचारी हमारे पास है, सफाई हम इक्विपमेंट हमारे पास है, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों की मदद से सभी अगर अपने पेरेंट्स को, सभी अगर पेरेंट्स को गिल्ला कूड़ा और सूखा कूड़ा डालने के लिए अलग अलग हर घर में टेम्पो पहुंचेगा, अगर नहीं कहीं पहुंचता मैं मानता हूँ कुछ कमियां रह जाती होंगी, कहीं नहीं पहुंचता तो आप डायरेक्ट अप्रोच करके, मेरा फोन भी है, नगर परिषद में भी है, कहीं भी आप इन्फॉर्म करो, अगर मैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से वो कार्य शुरू करवाऊंगा तो आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि घर पे हर अपने पेरेंट्स को और खास करके जो हमारी बेटियां हैं सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी, आप लोगों को आप ज़्यादा समझा सकते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि ये तो इनका फिर भी कम ध्यान होता है लड़कों का मुझे पता है, तो लेकिन सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी, लड़कों से भी, ये नहीं कि अकेले नहीं इनकी जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ना तो कचरा बाहर नहीं डालें, अगर जहाँ पॉइंट्स बना रखे हैं उन पे भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझाने की जरूरत से मैं इस पूरे भिवानी को नीट एंड क्लीन कर दूंगा, ये मेरे आपसे वादा है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए स्थानीय नेहरू पार्क में बने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। क्लब प्रधान ईश्वर धामू का कहना था कि हमारे देश के जवानों की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अतः हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को शुक्रवार को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई तथा शहीदों को याद किया गया। वहीं जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि पुलवामा में जो CRPF के 45 जवान शहीद हुए थे उनकी पहली बरसी पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा शहीद स्मारक पर 45 मोमबत्तियां जलाकर वीर शहीदों को याद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम शहीदों के दम पर ही आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं तथा शहीदों किसी भी जाति या वर्ग में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जान किसी जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए न्यौछावर की थी। पुलवामा में 45 जवान जो शहीद हुए CRPF के, उनकी आज पहली बरसी है। पहली बरसी पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की ओर से हम लोगों ने यहाँ शहीद स्मारक पर 45 मोमबत्तियाँ जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद आज हम शहीदों के दम पर ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और शहीद को वैसे हम छोटी नज़र से नहीं देखना चाहिए, ना ही किसी जाति या वर्ग विशेष से बांधना चाहिए। शहीद पूरे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि उन्होंने जान जो है किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं दी है, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, तो राष्ट्र के नाम कुर्बान की है। हम सब राष्ट्र के नाम कुर्बान करने वाले सभी शहीदों को सलाम करते हैं। सिवरेज ब्लॉकेज की समस्या को लेकर हालू बाजार स्थित नंदराम कटला क्षेत्र के लोग काफी परेशान नजर आए। यहां एकत्रित हुए लोगों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से सिवरेज ब्लॉकेज के कारण वे नरकीय जीवन जी रहे हैं। प्रशासन से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की गुहार उन्होंने लगाई है। जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावों के दिन प्रतिदिन पोल अब खुलती नजर आने लगी है तथा शहरवासी किसी न किसी समस्या से रोजाना लड़ते नजर आते हैं, लेकिन अधिकारियों का इन परेशानियों को पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला हालू बाजार नंदराम कटला के पास का, जहां 15 दिन से सीवरेज की समस्या को निकासी को लेकर लोग परेशान हैं, और आखिरकार दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शनिवार को दुकानदारों के सहयोग से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि 15 दिन से वे इस समस्या से जूझ रहे हैं तथा अनेक बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को इस समस्या को हल करने की ओर कोई ध्यान नहीं है। सीवर ओवरफ्लो हो चुका है, 15 से 20 दिन हो गए। 20 दिन के दौरान कम से कम 7 से 8 बार हर रोज सुबह वर्कर आते हैं, पट्टी मार के सीवर में चले जाते हैं, पानी नहीं, 10 मिनट में पानी चला जाता है, शाम तक फिर ये ओवरफ्लो हो जाता है। मैंने SDO साहब को रिटर्न में मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया था, बात हुई थी, बोले आप रिटर्न में उसको कंप्लेंट को भेज दो और फोटो भेज दो। मैंने दोनों तीन दिन तक उन्होंने फ़ोन उठाया, 2 दिन से वो फ़ोन उठाना भी बंद कर गई। MC साहब को बोल चुके हैं, यही साहब को बोल चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ बैठना दुर्भर हो रहा है। समस्या ये है, मैं वेद प्रकाश आर्य बोल रहा हूँ, आलू बाजार जनाना कटला नाम के पास से, यही मेरा मकान है, 24 घंटे यहाँ आना जाना रहता है। इतना नरक कुंड यहाँ बना हुआ है शिविर का, जिसका कोई हिसाब नहीं, 15 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं है,
प्रशासन के अधिकारी महीने के महीने दो दो लाख के चेक पाट ले जाए, हमारे पब्लिक के दिए हुए टैक्स पे इनकी तनख्वाह बनती है और पब्लिक की कोई परवाह नहीं करते किसी भी प्रकार की। मैं सरकार से दुआस करता हूं कि इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारी समस्या समाधान तुरंत कराया जाए, पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा, सारी दुकानें जो है बुरा हाल हो रहा है। स्थानीय घंटाघर क्षेत्र में सर्कुलर रोड पर स्थित शनि मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे के साथ आयोजन किया गया। प्रति वर्ष की भांति मनाए जाने वाले इस दिवस पर आयोजित चौथे कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर न्याय के देवता की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लेकर प्रसाद भी ग्रहण किया। शनिवार को सर्कुलर रोड स्थित शनि मंदिर में चतुर्थ शनि देव महाराज की मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने बताया कि शनि महाराज की कृपा से हर साल इस वर्ष भी स्थापना दिवस मनाया गया है और वो हर वर्ष ये आयोजन करते हैं तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि यह आयोजन सभी भक्तों के आपसी सहयोग से भाईचारा बनाए रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस कलयुग में शनि महाराज ही एक ऐसे देवता हैं जो सबका पालन पोषण करते हैं और न्याय के देवता भी हैं, अतः हमें अपना कर्म समाज के हित में करना चाहिए। चौथा वार्षिक उत्सव है हमारा, ये सब भाइयों की कृपा से, महाराज शनिदेव जी शनिदेव महाराज की कृपा से, असीम कृपा से भंडारा कर रहे हैं। चौथा भंडारा हमारा देव महाराज का मंदिर हर वर्ष की भांति ये चौथा स्थापना दिवस है, हर वर्ष की भांति बनाया जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक ये भंडारा चलता है। सुबह का शुभारम्भ जो है हम हवन से शुरू करके शाम तक ये भंडारा चलता है। इसी प्रकार भगवान शनिदेव सबको आशीर्वाद दे और सबके सहयोग से ये भंडारा चलता है और भगवान की कृपा से ये सारा हमारा शाम तक सुचारू रूप से चलता है। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता, सारे शांतिपूर्वक यहाँ काम करते हैं। स्थानीय ढाणा रोड क्षेत्र में इन दिनों नशीले पदार्थों की बिक्री का समाचार वहाँ महिलाओं द्वारा लगाए गए जाम व नारेबाजी से उजागर हुआ। शनिवार को इस क्षेत्र में एकत्रित होकर महिलाओं ने रोष जताया और प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए तुरंत नशीले पदार्थों की बिक्री पर यहां रोक लगाई जाए। ढाणा रोड की महिलाओं का गुस्सा उस समय जवाब दे गया जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग उनके घरों के आसपास शराब व गांजा आदि की बिक्री करते हैं। उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनके बच्चे व अन्य नागरिक बर्बाद हो रहे हैं। पहले उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ दादरी चौक पर जमकर नारेबाजी की और रोड को जाम कर दिया। मामले का पता चलते ही सिटी व इंडस्ट्रियल एरिया के चौकी इंचार्ज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समस्या का समाधान करने व नशीले पदार्थों को बेचने वालों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया और तब जाकर महिलाओं ने जाम को खोला। दस दस साल के छोरे है ना, मेरी 2 रुपया से हमें देवा चीज खातर वो पेती थी घर में की सरदमता गली का बैठे ना, धन दारू का दारू का मेरे सुल्पा दारू सब की मैं बेच लाग रहे उठे का के रहने वाले हो आने तो दादरी गेट के रहने वाले सा ये दारू के लिए जी कोई बच्चा चीज लेने भेजा तो अभी पैसे चीज के दारू के आवा जी 100 बच्चा ना दिए मैं काम करा तो मैं लोग फलाने की लुगाई नो करा दी लुगाई नो करा काम करा तो पंजा के नहीं अभी जो ये महिला रोड पे उतरी थी जनचौक चौकी के इंचार्ज मोहते जी आए थे, मैंने इनका समर्थन करके रोड जाम खुलवाया। ये महिला इनकी शिकायत है कि भी यहाँ पे कुछ बंदे अवैध तरीके से शराब नशे में वो कैप्सूल होते हैं वो बेचते हैं, हमें तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बता रहे हैं ये महिला कि भी सुल्पा गांजा इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। आज से मैंने 3-4 दिन पहले डीएसपी साहब को फोन किया था। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया सर? मैंने तो फोन किया था 3 दिन पहले, अब क्या आश्वासन दिया? अब आश्वासन दिया है इनको उठा लेंगे हम। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा की गई पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव सहित प्राइवेट स्कूल प्रतिनिधियों ने 134A के तहत दाखिल किए गए बच्चों की फीस न मिलने पर सरकार के प्रति रोष जताया। उनका कहना था कि पिछले 3 वर्षों से इस दाखिले के अंतर्गत करोड़ों रुपए सरकार की तरफ बकाया है और उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला है। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक उन्हें यह राशि नहीं मिल जाती 134A के अंतर्गत वो दाखिले नहीं करेंगे। प्रदेश महासचिव रामुतार शर्मा ने कहा कि सरकार से बार बार बातचीत हुई है लेकिन अधिकारी केवल गोलमोल जवाब दे रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि या तो सरकार उनके बकाया करोड़ों रुपए दे वरना इस बार वे दाखिले नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी ऐसे 3.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी फीस अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाई है। उन्होंने कहा कि बार बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, बार बार केवल
कोरे आश्वासन दिए गए हैं। कागजों में सरकार पैसे देती है, लेकिन जब अधिकारियों के पास जाते हैं तब गोलमाल जवाब दे देते हैं। रामोता शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार ने अगर अभी भी सुध नहीं ली तो वे बच्चों के दाखिले नहीं होने देंगे। हम ऐसे किसी भी बच्चे का पूरे हरियाणा सत्र पर इसका विरोध करेंगे और किसी भी बच्चे का 134 में दाखिला किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं करेंगे। ऐसा फैसला हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा सत्र पर किया गया है। हम जिस ब्लॉक में बैठे हैं, हम भिवाड़ी ब्लॉक में बैठे हैं, भिवाड़ी ब्लॉक में किसी भी स्कूल को एक नया पैसा नहीं मिला है आज तक। मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपए से ऊपर ये पैसा प्राइवेट स्कूलों का पेंडिंग सरकार पिछले जब से ये नियम लागू हुआ है, जब से हमने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, तब से पैसा रिलीज नहीं हुआ है। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार मंत्रियों के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करते हो, कहते पैसा रिलीज कर दिया। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी गोलमोल जवाब दे देते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। हमारे जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं उनके लिए आगे क्या रहेगा? उनको आप पढ़ाएंगे या उनके लिए भी कोई अलग अल्टरनेटिव? देखो, जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है हम उसको पढ़ाएंगे, हम उस पर डिनाई नहीं करेंगे। हम ये सोच लेंगे भैया हमने पढ़ाना है, चलो कोई बात नहीं है। पर नया जो सरकार का कोई आदेश आएगा, अभी पिछले दिनों डिपार्टमेंट ने मांगी है जानकारी, हम कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे। आखिरकार नागरिक अस्पताल स्थित छात्रावास के सुध लेने के लिए प्रशासन जगा और एसडीएम की टीम ने छात्रावास का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि छात्रावास भवन से कमरों में बरामदों की छत का मलबा लगातार गिरने को लेकर छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्हें आश्वासन मिला कि सप्ताह भर में उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 47 व 48 साल पहले चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास के लिए भवन बनाया गया था। पिछले 8-10 वर्षों से इस छात्रावास का भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है, या यूं कहें कि बिल्कुल खंडर जैसा हो गया है। यहां छत से प्लास्टर गिरने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहां रहने वाली छात्राओं को इससे चोट भी आई है। इससे डरी और सहमी छात्राओं ने 12 फरवरी को 2 छात्राओं के घायल होने पर विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरकर डीसी से समाधान करने की मांग की थी। इसके बाद खबर दिखाने पर शुक्रवार को खुद एसडीएम की टीम यहां पहुंची और छात्रावास के भवन का निरीक्षण किया। अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम महेश कुमार ने खुद माना कि छात्रावास के भवन की हालत जर्जर है, यहां आने वाले हर किसी को डर लगता है। यही नहीं, एसडीएम ने कहा कि यहां रहने का मतलब जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि छात्रावास की ये जर्जर हालत रख रखाव के अभाव में हुई है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में हम तय करेंगे कि इसकी मरम्मत ठीक से करवाई जाए या फिर नया भवन बनवाया जाए। प्रथम दृष्टा इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा और जो टीम मेंबर्स हैं हमारे, एक्शन साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, तो उससे कोई भी लेमैन है वो देख के कह सकता है कि जो बिल्डिंग है काफ़ी समय से ही खराब कंडीशन में थी और इसके प्रॉपर रख रखाव ना करने के कारण, उसके अभाव रख रखाव के अभाव के कारण ही बिल्डिंग की आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि उसमें आपका जो प्लास्टर है वो गिर रहा है छतों से। बहरहाल क्या फैसला लिया गया? अभी कल बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में बच्चे आए थे रिप्रेजेंटेशन लेकर, और उसको देखते हुए डी साहब ने तुरंत प्रभाव से एक टीम का गठन किया गया है जो कि आज हम निरीक्षण कर लिया है इस टीम ने, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो पता चला है कि जो हमने देखा है मौका मुआयने में, बिल्डिंग की जो पाइपलाइन है वो सारी सारी डैमेज है, उससे जो कंटिन्यूस जो आपका जो पानी का जो फ्लो है वो दीवारों में चला गया है और उससे दीवारों में काफ़ी आपकी दरारें आ चुकी हैं, तो काफ़ी ख़राब हालत में है बिल्डिंग। छात्राएं दहशत में है और जैसे कि बच्चों का अभी कोई भी छात्रा उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जब अंदर जाता है तो एक बार उसको डर लगता है क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन वास्तविकता में बहुत ख़राब है। इसको चेक करने के लिए हमारे जो एक्शन साहब हैं उन्होंने एक जो कंसल्टेंसी एजेंसी है उसको पत्राचार किया है उसके, और विद इन 2-3 डेज एक्सपेक्टेड है कि वो आके इसको चेक करेंगे क्या इस बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट किया जा सकता है या फिर ये कंडम डिक्लेयर की। प्रिंसिपल को डायरेक्शन दी गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई अल्टरनेट साइट इनके पॉसिबल है जो इनके लिए फिजिबल हो, बच्चों के लिए भी और सिक्योरिटी को देखते हुए अगर पॉसिबल हो तो वो देखें। और जहाँ तक इसके रिनोवेशन का है सवाल तो रिनोवेशन के लिए भी चला हुआ है प्रोसेस। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, पर उन्होंने हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि एक हफ्ते से हमें कम टाइम मिल दिया जाए क्योंकि एक हफ्ते तक क्या पता किसी के साथ कोई घटना हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारे माँ बाप कहाँ पे जाएंगे, हमारी मैम कहाँ पे जाएंगी। इसी हॉस्टल में रहती हूँ, आज हमारे हॉस्टल में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है कि छतें गिर रही हैं लगातार और हॉस्टल की कंडीशन बहुत ही खराब थी, तो इसके
इसके कारण हमने स्ट्राइक करी, जिसके फिर हम डीसी साहब के पास गए, डीसी सर के पास जाके फिर हमने अपनी कंप्लेन को बताया, फिर उन्होंने एक टीम को गठित किया, फिर वो आज हमारे बीच पहुंचे अभी इस टाइम शाम को 5:30 के करीब। तो फिर उन्होंने पूरे हॉस्टल का जायजा लिया, जो जो जिस जिस रूम की छत गिरी थी उनके पास वो उन्होंने देखी है अच्छे तरीके से, और उन्होंने हमारी समस्या को जायज बताया कि इस चीज का जल्दी जल्दी कोई सोल्यूशन होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भीम स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र, दिल्ली में करारी हार पर जनता के फैसले का किया स्वागत। सांस्कृतिक सदन में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का 9वां राज्य सम्मेलन हुआ शुरू। राजकीय महाविद्यालय में मनाया गया स्वच्छता अभियान। जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा पुलवामा में हुए शहीद जवानों को किया गया याद। सीवरेज के पानी की निकासी न होने से हालू बाजार नंदराम कटला के दुकानदारों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। धूमधाम से मनाया गया चतुर्थ शनि महाराज स्थापना दिवस। अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर ढाणा रोड की महिलाओं ने लगाया जाम। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, नियम 134A के तहत नहीं किए जाएंगे इस बार दाखिले। एसडीएम महेश कुमार टीम के साथ पहुंचे चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, जर्जर हुए नर्सिंग छात्रावास का किया निरीक्षण। हमारे संग में बस इतना ही, अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।